नमस्कार छात्रों, भारत का भूगोल तथा प्रश्न पत्र तिथि वर्ष कला के जो हम पहले मिनट पर चल रहे हैं उसमें हम उच्चावच प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम हिमालय की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखा था, आज हम उसमें हिमालय को देखेंगे। भारत के भूभागों में तीन ही भूभाग मुख्य हैं, मैदान, तट और पर्वत। पर्वत में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देख लिया था, जिसमें बहुत प्रमुख रूप से हमें मिलता है हिमालय। अब हम ये जानेंगे कि हिमालय कहाँ है। ये जो आपका जब हम हिमालय की चर्चा करते हैं तो हम भारत के उत्तरी भाग को देखते हैं। पूरे भारत से हमारा यहाँ पर संबंध नहीं है और उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो हमारे सामने आता है वो है कश्मीर। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ भाग हैं जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रफल में आते हैं। अब इन भागों की जब हम चर्चा करते हैं, जो हिमालय है हमारा वह एक चाप की आकृति में, ये सिंधु नदी यहाँ से और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। आपकी जो चाप की आकृति है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। तीन हिमालय के तीन भाग है, महान हिमालय, लघु हिमालय और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा ये चाप है जिसे महान हिमालय कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। अब ये तीन जो समानांतर श्रेणियां हैं, ये माना जाता है कि जब भारतीय मुख्य भूमि उत्तर की तरफ खिसकी यानी एशिया की तरफ खिसकी, जो पहले गोंडवानालैंड का भाग थी यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक समूह के रूप में थे, वो आपस में अलग होकर जब भारतीय भूमि उत्तर की तरफ खिसकी तो एशियाटिक प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में टैथिस सागर यानी पर्वतीय नदी थी, जिसे हम टैथिस सागर कहते हैं। टैथिस सागर में दोनों ओर से आने वाली नदियों की जमाव इकट्ठा होने की वजह से टैथिस सागर बहुत अधिक जमाव से भर गया और जब इस तरफ से भारतीय प्लेट ने दबाव डाला तो उस टैथिस सागर में बलन पड़े यानी वो भिजा और भिजकर पर्वत श्रृंखला के रूप में सामने आया। ये माना जाता है कि सबसे पहले महान हिमालय बने जो सबसे ऊंचे हैं यानी 6000 मीटर से अधिक ऊंचे महान हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ, जो एक संलग्न दीवार के रूप में यानी इनके बीच में कोई विभाजन नहीं है, पूरी एक पट्टी के रूप में है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में विशाल दरार है जिसे सीमांत दरार कहते हैं और दोनों दोनों को अलग करती है, महान हिमालय को और लघु हिमालय को। महान हिमालय कश्मीर और उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के अंदर देखा जाता है। इसके बाद जो लघु हिमालय है वो हिमाचल, कश्मीर, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। लघु हिमालय अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं यानी 3000 मीटर के आसपास इसकी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है और यह न तो उतने ऊंचे हैं और न ही उतने संलग्न है यानी इसमें कई पर्वत श्रेणियां मिलती है, वो एक संलग्न दीवार नहीं है। ये माना जाता है कि दूसरा जब झटका आया यानी दबाव का जब दूसरा झटका आया तब लघु हिमालय बने जो महान हिमालय के बाद एक समानांतर श्रेणी के रूप में बने, परंतु जब लघु हिमालय के लिए झटका आया तब वापस से महान हिमालय का उत्थान भी हुआ, मतलब ये तो बने ही साथ में जो पहले बन चुका है उसका उत्थान हुआ। और लास्ट में जो तीसरा माना जाता है लगभग 20 साल 2 करोड़ साल से लेकर 20 लाख साल पहले हमारे आखिरी हिमालय यानी शिवालिक हिमालय बने, जो कि काफी विखंडित श्रेणियां हैं जिसके बीच में कई सारी घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं आप जानते हैं, और वो जो श्रेणी है वो पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल और आगे जाकर कुछ भाग कश्मीर में और आपकी आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर चौड़ी की रह जाती है। अब जब चौड़ाई की बात करते हैं तो जो महान हिमालय है उसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है जबकि लघु हिमालय की चौड़ाई 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच है और जो शिवालिक है इसकी चौड़ाई अलग है। यहाँ पर कश्मीर और उत्तरांचल में इसकी चौड़ाई ज्यादा है मगर अरुणाचल तक जाते जाते ये सिर्फ 5 किलोमीटर यानी 9 के बराबर रह जाती है। शिवालिक को नदियों ने काट काट के बहुत जगह से विच्छेद कर रखा है यानी एक दूसरे से अलग कर रखा है। तो अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला स्थान महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय का आता है। ये तीनों श्रेणियां एक के बाद एक संलग्न रूप से देखी जाती है।
और इन तीनों का निर्माण तैतीस सागर में पड़े हुए वलनों के कारण हुआ है, परंतु ये तीनों समकालिक नहीं है, यानी एक के बाद एक का निर्माण हुआ। सबसे पहले महान हिमालय बने, फिर लघु हिमालय बने और अंत में शिवालिक हिमालय बने हैं। तो ये तीन बड़ी श्रेणियां उत्तर में देखी जाती है। अब इसके बाद जो यहाँ पर्वत मिलते हैं उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसकी चर्चा कल हमने की थी। ट्रांस हिमालय में जैस्कर, कैलाश, लद्दाख श्रेणी, की काराकोरम श्रेणी, ये सभी श्रेणियां जो है वो ट्रांस हिमालय में आती है, जो कि प्राचीन है, यानी हिमालय की समकालीन नहीं, हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है, जिसकी सबसे पहले खोज स्पेस हेडन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने बताया था कि ये हिमालय से अलग अस्तित्व रखती है और इनका निर्माण अलग समय में हुआ है। तो कुल मिलाकर ये हमारा पहला भौगोलिक क्षेत्र बन के आता है, और वो क्षेत्र है आपका हिमालय का। हिमालय के संदर्भ में जो मुख्य चीजें हैं वो है यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो सतत है, क्योंकि हिमालय बहुत अधिक ऊंचाई पर है, वर्ष भर इसमें कई सारे क्षेत्र हैं जिस पर बर्फ जमा रहता है, तो साल भर यहाँ से पिघल पिघल के पानी आता रहता है, मैदानों में ये नदियाँ सिंचित करती हैं। और इन नदियों में सबसे बड़ी जो है वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो आपको मैं दिखाई रही हूँ, ये दोनों नदियों का निर्माण या इन दोनों नदियों का अस्तित्व हिमालय के अस्तित्व से पहले से है। पहले से है का मतलब कि यह नदियाँ तिब्बत के पठार से नीचे दक्षिण की ओर, यानी आपका तैतीस सागर की ओर पहले से ही चल रही थी, परंतु बाद में जब यह नदियाँ बीच में हिमालय का उत्थान हुआ तो यह नदियों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, मतलब अपने रास्ते यानी दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर ही चलती ही रही, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठते गए इन्होंने हिमालय को काटते काटते अपनी घाटियों को उतना ही गहरा बना लिया जितना ऊंचा हिमालय है, यानी वो अपने स्थान पर स्थित रही, जिस गति से हिमालय की वृद्धि हुई उसी गति से उन्होंने हिमालय को काटा और आज भी अपने उसी तल पर बह रहे हैं। इस संदर्भ में एक और बात विशेष है जिसे हम अगले अपवाह वाले क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, कि पहले एक ही नदी बहा करती थी, उसका नाम था इंडो गैंगेटिक रिवर। इंडो गैंगेटिक का मतलब है कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और गंगा नदी सब मिलाकर ब्रह्मपुत्र एक ही नदी के रूप में, महानदी के रूप में बहा करते थे, और इन नदियों का अलग अलग अस्तित्व नहीं था, परंतु बाद में कोटवार बेसिन में जो उत्थान हुआ उससे सिंधु का रास्ता अलग हो गया और गंगा का रास्ता अलग हो गया। तो पहले जो सिंधु है वो उसका रास्ता ये नहीं था, बाद में सिंधु ने अपना यह रास्ता लिया क्योंकि बीच में कोटवार बेसिन पर कुछ उत्थान हुआ और दो नदियां आपस में अलग हो गई। तो यहाँ एक महानदी का अर्थ है कि उत्तर भारत में एक महानदी बहती थी जिसमें सिंधु और गंगा दोनों का समावेश था। तो इस तरह से जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो लगातार बदलती रही, विकसित होती रही, और आज जो स्वरूप हमें सामने देखने को मिलता है उसमें हिमालय है, उसकी तीन श्रेणियां हैं और उसमें से निकलने वाली असंख्य नदियां हैं जिसमें गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनको में सतत जल प्रवाहित होता रहता है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो अखबार पढ़ते ही होंगे, सभी नदियों में बाढ़ आई हुई है और सभी नदियों में बड़े पैमाने पर पानी बह रहा है। तो ये सारा आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हमने हिमालय के बारे में देखा पहला, तो ये एक वलन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण तैतीस सागर में वलन पड़ने के कारण हुआ है। ये एशियाटिक प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में है, जो एक विनाशात्मक प्लेट किनारा है, और हम जानते हैं जब विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है तो वहाँ बचाव बनता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। तो इस स्थिति में ये एशियाटिक प्लेट है और भारतीय प्लेट एशियाटिक प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है, यानी नीचे कौन जा रहा है, भारतीय प्लेट नीचे जा रही है, जिस कारण यहाँ बचाव हो रहा है और इस तरह से इनके बीच पर्वतों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक प्लेट जब नीचे जाती है तो वह दबाव पैदा करती है और जैसे दूसरी प्लेट के किनारे पर बचाव पैदा होता है। अब ये सामान्यतः प्लेट विवर्तन में देखा जाता है कि जब एक प्लेट नीचे जाती है लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने के बाद पिघल जाती है और उसके पदार्थ क्योंकि आयतन में बढ़ने लगते हैं, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो ये जब प्लेट नीचे जाती है और उसका आयतन बढ़ने लगता है तो वो बढ़ा हुआ आयतन या जो पदार्थ है पुनः से ऊपर आने का प्रयास करता है, और ऊपर आने के प्रयास में इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है, यानी क्योंकि नीचे से पदार्थ ऊपर आएगा और वो पिघला हुआ है तो उसकी वजह से ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, परंतु हिमालय में प्रत्यक्षतः कोई ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमाण अभी नहीं मिल रहे हैं, और इसका कारण है कि हिमालय इतने सघन है और इतने ऊंचे हैं कि कोई भी पदार्थ उसको फाड़ कर ऊपर तक
नहीं पाता, तो जो नीचे से पदार्थ ऊपर की तरफ आता है उसकी वजह से हिमालय में उत्थान होता है, यानी वो ऊपर आकर जम जाता है और हिमालय की ऊंचाई को और अधिक बढ़ा देता है। तो ये प्रक्रिया सतत चल रही है। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष यूरेशिया प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है और उससे जो पदार्थ नीचे क्षेपण हो रहा है, पदार्थ ऊपर की तरफ आकर हिमालय की ऊंचाई को बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। तो हिमालय की ऊंचाई सतत रूप से बढ़ रही है, आज भी वह पर्वत विकसित हो रहा है। धन्यवाद।